हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद अंजनी। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू पत्ता गोभी की सूखी सब्जी। 10 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी ये सब्जी, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल लेंगे। तेल के गर्म होते 1 तेज पत्ता डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे और 3 से 4 हरी मिर्च लिया है। इनका कलर चेंज हो जाए तो इसमें डाल देंगे 1 बड़ा साइज का प्याज। प्याज को बारीक कट करके इस तरीके से लिया है मैंने। प्याज की क्वांटिटी आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। तो इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैंने लिया है बंद गोभी। तो मैंने 1/2 किलो की बंद गोभी लिया था, उसे इस तरीके से लंबे लंबे टुकड़ों में कट करके लिया है और इन सारी चीजों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में। फ्रेंड्स, अब चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो 1 चम्मच लिया है मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर, साथ ही 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया का पाउडर लेंगे, साथ ही लिया है यहाँ पे अदरक लहसुन जीरा और काली मिर्च का पेस्ट। अच्छे से इसमें पानी डाल के इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। मसाले अच्छे से फूल जाएंगे तब तक। इस तरीके से मसाले तैयार करके रखिएगा ना, तो सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है। पत्ता गोभी भुन गए हैं तो उसमें डाल देंगे ये मसाले और अच्छे से हम इसे कर लेंगे मिक्स। फ्रेंड्स, ये सब्जी हम बिल्कुल ड्राई बना रहे हैं, बिना पानी का बना रहे हैं, तो ध्यान रहे इसे हम लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। अब यहाँ 3 से 4 मैंने आलू लिया है, उबले हुए का आलू का इस्तेमाल किया है। 1 टमाटर लिया है, बारीक कट कर लेंगे और डाल देंगे इसमें साथ में ही नमक। नमक डालने से क्या होगा कि पत्ता गोभी में से मॉइस्चर रिलीज होगा और हमें पानी की ज़रूरत भी नहीं होगी, इसे भूनने में ये नीचे से चिपकेंगे नहीं। तो इसलिए नमक डाल के इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बीच में ढक्कन से एक ढक देंगे, ढककर इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये सब्जी बनाइएगा ना, बहुत कमाल की लगती है। दाल चावल, रोटी, पूरी, पराठे के साथ ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है। आप चाहे तो इस सब्जी को लंच में भी ले जा सकते हो। तो ये देखिए, 5 से 7 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, सब्जी ऑलमोस्ट पक चुकी है, मसाले भी फ्राई हो चुके हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो यहीं पर मैंने डाला है इसमें 1 चम्मच गर्म मसाला पाउडर, डाल के इसे भी मिक्स कर लेना है और साथ में डाल देंगे इसमें हरी धनिया। हरी धनिया ना हो तो आप कसूरी मेथी डालें। इसे ढक देंगे। तो ये देखिए, गरम मसाला डालने के बाद मैंने इसे ढक दिया था। तो ये हमारी सब्जी बनके हो गई है तैयार। ऊपर से आप डाल दें इसमें खूब सारा हरा धनिया डालें, या मैंने पहले ही कहा था कसूरी मेथी डालें, दोनों में से कोई एक डालें। तो ये हो गई है झटपट बनने वाली सब्जी तैयार। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते ही और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।